समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है, परिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रामी रेड्डी जी की सभी बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रामी रेड्डी जी की पहली बॉलीवुड फिल्म आई थी साल 1990 में प्रतिबंध, और फिल्म की लागत थी दोस्तों 1,68,00,000 की और कमाई की थी फिल्म ने 4,70,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 1993 में इनकी दूसरी फिल्म आई वक्त हमारा है, लागत थी फिल्म की 1,85,00,000 की, कमाई की इसने 2,50,00,000 की और दोस्तों यह तो एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 1994 में इनकी फिल्म आती है ऐलान, लागत थी फिल्म की दोस्तों 1,85,00,000 की और फिल्म ने कमाई दुनिया भर से 8,40,00,000 की और यह हिट हुई थी। इसी साल ही रामी जी की फिल्म आई थी दिलवाले और लागत थी फिल्म की दोस्तों मात्र 2,10,00,000 की, फिल्म ने दुनिया भर से 12,00,000 की कमाई करी और इसी के साथ ही यह सुपर हिट हुई थी। इसी साल ही आई थी खुद्दार और लागत थी फिल्म की 1,95,00,000 की, कमाई हुई थी इसकी 8,45,00,000 और दोस्तों यह हिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1995 में अंग रक्षक, फिल्म की लागत थी 4,75,00,000 की, कमाई करी इसने 9,82,00,000 और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी आंदोलन, लागत थी फिल्म की 3,75,00,000 की, कमाई करी इसने 10,22,00,000 और यह बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही। इसके बाद आई हकीकत, 4,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी दोस्तों 10,61,00,000 की और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई वीर, फिल्म की लागत थी 1,50,00,000 की, कमाई इसने 2,91,00,000 और यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई रेड्डी जी की साल 1996 में अंगारा, फिल्म की लागत थी दोस्तों 2,50,00,000, कमाई की इसने 4,17,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी रंगबाज और इसकी लागत थी 2,00,000,000, कमाई थी इसने 3,62,00,000 की और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद साल 1997 में इनकी फिल्म आई जीवन युद्ध, लागत थी फिल्म की 2,50,00,000 और कमाई इसने 2,37,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी कालिया और इसकी लागत थी 2,30,00,000 की, फिल्म की कमाई हुई थी 4,85,00,000 और यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी लोहा और लागत थी दोस्तों फिल्म की 2,20,00,000 की और इसने कमाई थी 4,02,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 1998 में इनकी फिल्म आई थी चंडाल, लागत थी फिल्म की दोस्तों 2,00,000 की और कमाई थी इस फिल्म ने 6,30,00,000 की और यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद आई हत्यारा और इस फिल्म की भी लागत थी दोस्तों 2,00,000 और इसने कमाई 2,69,00,000 की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी गुंडा और लागत थी फिल्म की 2,10,00,000, कमाई की इसने 3,72,00,000 की और मेरे दोस्त यह भी फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1999 में गंगा की कसम, फिल्म की लागत थी 2,05,00,000 की और कमाई की इसने 2,57,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी दादा और इसे 1,80,00,000 की लागत से बनाई गई थी और कमाई थी इसने 2,45,00,000 और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई शेरा और लागत थी फिल्म की 2,00,000, कमाई करी इसने 5,00,000 की और इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद इनकी फिल्म आई जानवर, फिल्म की लागत थी दोस्तों 6,25,00,000, दुनिया भर से कमाई थी इसने 18,99,00,000 की और इसे बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट करार दी गई थी। इसके बाद आई थी सौतेला और लागत थी फिल्म की 1,25,00,000, कमाई करी इसने 1,63,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म आई थी कुर्बानियां, इसके बाद आई थी भूत राज और इसे 45,00,000 की लागत से बनाई गई थी और इसने कमाई थी 78,00,000 की और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद
आई थी डाकू रामकली और इस फिल्म की लागत थी दोस्तों 60 लाख की और इसने कमाई 1,73,00,000 और मेरे दोस्त यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद आई थी क्रोध और फिल्म की लागत थी 4,25,00,000 कमाई कर इसने 8,90,00,000 की और यह एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2001 में गलियों का बादशाह और इसे 60,00,000 की लागत से बनाई गई थी और इसने कमाई करी मात्र 48,37,000 की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई नायक और लागत थी फिल्म की दोस्तों 21,00,000 की और कमाई करी इस फिल्म ने 20,56,00,000 की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2003 में रेड्डी जी की फिल्म आई थी टाडा और दोस्तों फिल्म की लागत थी 1,50,00,000 की और कमाई थी इसने मात्र 32,00,000 की और यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई थी सत्यघात और यह भी डिजास्टर हुई थी। तो दोस्तों यह था रामी रेड्डी जी का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि दोस्तों आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।